नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम, आप देख रहे हैं टेक एंड मेक इंडिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर एक नए फ़ोन के बारे में जो कि भी हाल ही में रियलमी का निकलने वाला है। 4G फ़ोन है लेकिन बहुत ही सस्ता फ़ोन है। जो भी लोग 10,000 के रेंज में एक अच्छा 4G फ़ोन चलाना चाहते हैं, न्यू मॉडल का हो, वर्जन उसका नया हो, ऑपरेटिंग सिस्टम नया हो, स्टोरेज ज़्यादा हो, पावर भी ज़्यादा हो और चलने लायक भी ज़्यादा हो, इस तरह का फ़ोन अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रियलमी ऐसा फ़ोन लॉन्च करने वाला है इसी जुलाई के मंथ में। 20, 21 या 25 के अंदर ही आपका ये लॉन्च हो जाएगा और फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 10,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो उस फ़ोन के बारे में जो बाकी के डिटेल है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। इस वीडियो में मैं आपको उस फ़ोन की बारीकी से सटीक पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा कि कैसे क्या चीज़ें उस फ़ोन में हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या सब कुछ है। तो चलिए उस फ़ोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस फ्लिपकार्ट भी दिखा देता हूँ उस फ़ोन के बारे में। तो जब भी आप मोबाइल पे, जिस पे मोबाइल का ऑप्शन यहाँ पे रहता है कैटेगरी में, जब आप मोबाइल चूज करोगे तो वहाँ चूज करने के बाद आप जिस पेज पे पहुँचोगे वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कमिंग सून में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये रियलमी C53 नाम इस फ़ोन का है। जी हाँ दोस्तों, रियलमी C53 इस फ़ोन का नाम है और ये अभी हाल ही में लॉन्च होने वाला भी हुआ तो नहीं है, लेकिन जैसे ही लॉन्च होगा मैं इसके बारे में बता दूंगा, पर ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो इसकी यहाँ पे बैटरी वगैरह के बारे में थोड़ा दिया है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिया है, पर मैं आपको दूसरी वेबसाइट से इसकी पूरी की पूरी क्लियर जानकारी दूंगा। पर यहाँ पे थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 18 वाट दिया है, पर कुछ चेंजेस कर दी गई हैं इसकी वजह से। इसका ये जो वाट है लगभग 33 वाट की चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वैसे बात करें स्टैंडबाय, ये लगभग 39 दिन तक चलेगा, 16 घंटा वीडियो प्लेबैक है, 81 घंटे म्यूजिक प्लेबैक है, इन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो चलिए इस फोन के बारे में सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बस दिखाने का यही मकसद था कि आप भी देख लीजिए कि वीडियो फेक नहीं है, पूरा रियल है, कि जल्दी लॉन्च होने वाला है। चलिए इस वीडियो को, इस फोन के बारे में टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहले फ़ोन का नाम मैं बता दूँ, फ़ोन है रियलमी C53, जो कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया। इसके रेट वगैरह की बात करूँ तो लगभग 10,000 के रेंज में आ जाएगा। ये मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस है, रियल क्या होगा, 10,000 से कम होगा या 10,000 होगा ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 9,790 लिखा हुआ है, लेकिन 10,000 के रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी सब कुछ लगभग अच्छा ही आपको देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करो तो ऑक्टा कोर आपका इसमें देखने को मिल जाएगा, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसको आप 2TB तक बढ़ा सकते हैं। डिस्प्ले वगैरह की बात करें तो 6.74 इंच का डिस्प्ले है इसका, 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा, 50MP का बैक कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा, LED फ्लैश लाइट के साथ, 5000mAh की बैटरी, वो भी सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ, USB जो आपका है सी टाइप केबल के साथ आपको ये मिल जाएगा। तो और भी इसके बारे में फ़ोन की बात करें तो रैम की बात करें तो आपको बता दें कि 6GB रैम है, 50MP बैक कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, 5000mAh की बैटरी, इसकी साइज भी यहाँ पे दी हुई है जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया। लॉन्च डेट की बात करूँ तो यहाँ पे भी ये एक्सपेक्टेड है कि 22 जुलाई तक लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि 25 या 30 से पहले ये इसी महीने में लॉन्च हो जाएगा, तो उसको आप खरीद सकते हैं। वर्जन की देखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि आपको नया वर्जन देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका एंड्रॉयड वर्जन 13 है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, फिलहाल यही वर्जन चल रहा है। इससे पहले एंड्रॉयड 12 चलता था और ये एंड्रॉयड 13 है। वर्जन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्जन 12 में चलते हैं पर वर्जन 13 में नहीं चलते हैं, और कुछ मॉडल कुछ फीचर भी अलग हो जाते हैं, तो ऐसे करके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेंज किया जाता है। और आगे की बात करें तो आपको बता दें कि परफॉर्मेंस की बात, तो यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर देखने को मिल जाएगा, 1.8 GHz के साथ, डुअल कोर, कॉर्टेक्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। रैम 6GB रैम है और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6.74 इंच का आपको फुल टाइप जो भी डिस्प्ले इसका देखने को मिल जाएगा। और आगे बात करें रिफ्रेश रेट, तो मैंने आपको बताया ही, हाइट वगैरह की बात कर ले तो हाइट यहाँ पे देख लीजिए 167.3 mm है, विड्थ की बात करें तो 76.7 mm है, मोटाई भी इसकी बहुत ज़्यादा मतलब पतली है, बहुत मोटी नहीं है, पतला फ़ोन है, जो कि पूरा बहुत ही अच्छा लुक इसमें देखने को आपको मिलेगा। कैमरा वगैरह की बात कर ले तो आपको बताया मैंने 50 और 8MP का कैमरा इसका है। बैटरी की भी मैंने बताया 5000mAh की बैटरी, लेकिन बैटरी की टाइप की बात करूँ तो लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा, रिमूवल बैटरी नहीं रहेगा, क्विक चार्जिंग आपको सपोर्ट इसके साथ मिलेगा, टाइप सी डाटा केबल रहेगा, और जिसका स्टोरेज है 128GB तो देगा, उसको आप 2TB तक बढ़ा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। नेटवर्क की बात करें तो ये 5G फ़ोन नहीं है, इंडिया में ये 5G सपोर्टेड नहीं है, इंडिया में केवल 4G सपोर्टेड है, 3G 2G सभी प्रकार इसमें चलेंगे पर 5G नहीं चलेगा। वाईफाई सपोर्टेड है, ब्लूटूथ सपोर्टेड है, GPS है, NFC मोड नहीं मिलेगा, USB कनेक्टिविटी भी इसमें आपका
मिल जाएगा। मल्टीमीडिया तो आपका हर एक फ़ोन में ही लगभग रहता है, लाउड स्पीकर में ऑडियो जैक भी आपको मिल जाएगा। इसमें कई सारे फ़ोन ऐसे होते हैं जैसे इन्फिनिक्स वगैरह का, तो उसमें क्या होता है कि ऑडियो जैक नहीं होता, केवल सिंगल ऑडियो होता है जिसके थ्रू आप मल्टीमीडिया का साउंड भी सुनते हैं और कॉलिंग वाला साउंड भी सुनते हैं। पर इसमें आपको डबल मिलेगा, जो कॉलिंग है उसका अलग और ऑडियो जैक का अलग। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पावर भी पावरफुल फ़ोन है, नया वर्जन है, रेट भी 10,000 के अंदर ही है, 6128 है, उसको आप 2 TB तक बढ़ा सकते हैं, 50 MP का बैक कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा, इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बैटरी आपका 5000 mAh चलेगी, बहुत तगड़ी। रियलमी का फ़ोन जितने भी लोग चलाते हैं सब ये कहते हैं कि रियलमी का फ़ोन अच्छा होता है, बैटरी भी अच्छी खासी चलती है। 10,000 के रेंज में ये आपका बहुत ही बेस्ट फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो अभी ये हाल ही में लॉन्च होने वाला है, जैसे ही लॉन्च होता है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये लॉन्च हो चुका है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसका जो खरीदने का लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ही फ़ोन लॉन्च होता है आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वेट, आपको 10,000 के रेंज में इससे अच्छा फ़ोन अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी लॉन्च के बाद ही पता चल पाएगा कि इस फ़ोन की रियल प्राइस क्या है, लेकिन इतना है कि 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। कलर वगैरह की बात करें, देखिए इसका लुक इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो गोल्डन कलर का रहेगा, दूसरा आपका ब्लैक कलर का रहेगा, दोनों में आपको इस तरह के कलर देखने को मिल जाएंगे। और भी इसके अगर मॉडल बैक लुक की बात करें तो आपको मैं इसका बैक लुक दिखा दूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना गजब का इसका ये बैक लुक यहाँ पे दिखा रहा है। 2 कैमरे हैं, एक फ्लैश लाइट है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मॉडल इसका आप देख सकते हैं कि कितना ये साइड से इस तरीके से ये कर्व है, और इसकी डिजाइनिंग जो है बहुत ही अच्छा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो लुक भी है, पावर भी है, पैसा भी कम है, तो इसको आप ज़रूर लें, मैं तो यही कहूँगा, ट्राई ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही मोबाइल के बारे में वीडियो चाहिए और नए नए फ़ोन के बारे में जानना है कि कौन सा फ़ोन कब लॉन्च होगा और कितना पावरफुल है, लेने लायक है या फिर नहीं लेने लायक है, पूरा उसके बारे में डिटेल चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं किसी नए फ़ोन के बारे में बताऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस फ़ोन के बारे में जान सको, और अगर आपको लेना है तो उसको आप ले सको। और भी बहुत सारे फ़ोन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर ले सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने 4G 5G फ़ोन के बारे में बता रखा है, आपके बजट के अनुसार भी फ़ोन के बारे में बता रखा है, तो आप सभी प्रकार के फ़ोन के बारे में दे सकते हो। अगर आपको किसी और फ़ोन के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में भी इस बात को भी ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।